अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका हूं बबलुल्ला होरी और आज मेरे पास है Xiaomi की तरफ से आया हुआ एक स्पेशल बॉक्स जिस पे XFF मेंशन है। मतलब Xiaomi फैन फेस्टिवल 2022 स्टार्ट हो गया है और Xiaomi हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। ये उनकी 11th एनिवर्सरी है एंड द गुड थिंग इज़ कि वो अपने स्पेशल मोमेंट के ऊपर अपने जो यूज़र बेस है जिसको वो अपनी फ़ैन बेस कहते हैं उसको नहीं भूलता। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक फ़ैन फेस्टिवल सेल में अप टू 40% का ऑफ है, इनकी इको प्रोडक्ट्स पे, IoT प्रोडक्ट्स पे और स्मार्टफोन्स पे भी काफ़ी इन्होंने बंडल डील्स लगाई हुई हैं वहाँ पे। और इनका टैगलाइन भी है इनोवेशन फॉर एवरीवन। और यह है कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको ज़रूर विजिट करें, हो सकता है अच्छी चीज़ अच्छी प्राइस पर हाथ लग जाए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना। अब ज़रा स्पेशल बॉक्स की तरफ आते हैं। Xiaomi का लोगो है इसके ऊपर, ओपन करते ही हमें अंदर भी कुछ स्पेशल बैग टाइप का बॉक्स देखने को मिल रहा है। वैसे Xiaomi के ना इन मौकों पर जो बॉक्स के डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक होते हैं। स्ट्रैप के ऊपर भी Xiaomi फैन फेस्टिवल 2022 को हाईलाइट किया गया है और इस बैग में भी कुछ चमक दमक वाला डब्बा है। इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो ओपन करते ही हमें नज़र आ रहा है जी यहाँ पे Redmi Note 11 का XFF एडिशन। ये स्पेशल फैन एडिशन है इनका जो इनकी फैन फेस्टिवल सेल के अंदर ही इन्होंने लॉन्च किया है और उसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। और उसके बाद हमें मिल रहा है एक क्रिस्टल सा यूनिक डिज़ाइन वाला Xiaomi फैन कार्ड। अब ये लिमिटेड एडिशन कार्ड है और चिप भी लगी हुई है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और Xiaomi के फैंस जानते हैं कि जो फैन कार्ड है Xiaomi का, इसके ऊपर आप डिफरेंट ऑफर्स और डिस्काउंट वगैरह अवेल कर सकते हो, बट ये वाला लिमिटेड एडिशन है। अगर आप भी अवेल करना चाहते हो डिस्काउंट और डिफरेंट ऑफर्स वगैरह, तो Xiaomi फैन कार्ड के लिए आप साइन अप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा हुआ है उसका। तो Redmi Note 11 का स्पेशल एडिशन एक काफ़ी कूल कस्टमाइज बॉक्स के साथ आता है और डब्बे की लुक भी एक अच्छी वाइब्स दे रही है। और बैक साइड पे वारंटी कार्ड रखा गया है, 3 ईयर्स की वारंटी उस पर मेंशन है। मतलब mistore.pk से ऑनलाइन फूड परचेज करने पे जो 3 ईयर्स की वारंटी है, ये एक बिग प्लस मैं कहूँगा। और बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास XFF के जो स्पेशल एडिशन स्टिकर हैं वो मिल जाते हैं और फर्दर एज यूजुअल एक फोल्डर है वाइट, उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल रही हैं। एक डिसेंट क्वालिटी सिलिकन केस है और उसके बाद डिवाइस है हमारे पास, अब इसको साइड पे कर देता हूँ। एंड फर्दर इन द बॉक्स हमारे पास 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक और एक डेटा केबल मिल जाती है टाइप सी वाली। तो Redmi Note 11 स्पेशल एडिशन ये जो फ़ोन है, Redmi की ब्रांडिंग के साथ आपको XFF यानी Xiaomi फैन फेस्टिवल की ब्रांडिंग भी मिल रही है। और ट्वाइलाइट ब्लू जो कलर है इसका, मैं कहूँगा जितने भी इसके अवेलेबल कलर्स हैं ये मेरा फेवरेट है। और दूसरा मैट फिनिश का जो टच है ये एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज ग्लॉसी फिनिश के ऊपर आपको पता है फिंगरप्रिंट के स्मजेस वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये एक चीज़ अच्छी है। बाकी केस वगैरह है, प्रोटेक्शन यूज़ की जा सकती है। और इसको Redmi Note 11 को डिटेल में मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देखें, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है। तो फ़ोन काफ़ी हैंडी है, लाइट वेट फ़ोन है, जो लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन चल रहा है फ्लैट एजेस वाला वही आपको मिलता है, ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है, कम्फर्टेबल है, इन एंड फील के अंदर काफ़ी कम्फर्टेबल फ़ोन है। और डिस्प्ले भी इस फोन का काफ़ी प्लस पॉइंट है, लाइक एक एमोलेड डिस्प्ले है, पंच होल वाला आता है, कोई वाटर ड्रॉप नॉच वाला मजाक नहीं है, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। दूसरा 90 हर्ट्ज़ वाला ये पैनल है, लाइक चलने में स्मूथ है और इसकी जो स्मूथनेस है वो फील होती है, लाइक मैंने टेस्टिंग की हुई है, मैंने इस फोन को यूज़ किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और ये बेसिकली मल्टीमीडिया यूज़र को टारगेट की डिवाइस है, जिसमें आपको जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा मिलता है, डिस्प्ले के कलर्स कंट्रास्ट वगैरह ठीक है, जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो भी 1000 nits तक जाती है, तो आप समझ सकते हो कि हार्श लाइटिंग में भी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। मीडिया कंज्यूम करते हुए एक्सपीरियंस अच्छा है। स्टीरियो सेटअप आपको मिलता है जिसकी जो साउंड क्वालिटी और क्लैरिटी है, जो लाउडनेस है वो काफ़ी अच्छी है। IP53 की सर्टिफिकेशन भी है यहाँ पे। और दूसरा, एक बड़ी बैटरी इंप्लीमेंट की गई है इस फोन के अंदर, फिर भी फ़ोन जो है पतला है, लाइट वेट है, 180 ग्राम का फ़ोन है। 5000 mAh की जो बैटरी है इस फोन के अंदर, मेरे मॉडरेट यूज़ में ये 1.5 दिन आराम से निकाल जाता है, बाकी यह है कि लाइट यूज़ हो तो उससे भी ऊपर जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 680 का हार्डवेयर है जो 6 nm के ऊपर है, मतलब काफ़ी पावर एफिशिएंट किस्म का हार्डवेयर है। तो ये नैनोमीटर का नंबर जितना कम होता है ना, उतना पावर एफिशिएंसी मिलती है। और क्विक चार्ज 3+ का जो स्पोर्ट है इस फोन के अंदर, वो बैटरी को 0 to 100 मेरी टेस्टिंग के अंदर 1 घंटा 2 मिनट के अंदर, लाइक मैंने रिव्यू के अंदर सारी चीज़ें ये हाईलाइट की हुई हैं उसके अंदर। तो बैटरी बैकअप भी ज़बरदस्त है, चार्जिंग की स्पीड भी मेरी टेस्टिंग के अंदर ज़बरदस्त थी, डिस्प्ले की क्वालिटी भी बेहतरीन है, गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है डिस्प्ले के ऊपर। और कैमरा के ऊपर आ जाएँ तो बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है, जहाँ पे प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, 8 MP का अल्ट्रा वाइट और 2 MP के दो बच्चे हैं डेप्थ और मैक्रो वाले। और फ्रंट सेल्फी
जो कैमरा के बारे में है ना, मैंने कंप्लीट कैमरा सैंपल्स के साथ अपना वर्डिक्ट ऐड किया हुआ है इसके रिव्यू में। तो आई सुजेस्ट कि अगर आप देखना चाहते हो Redmi Note 11 के कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है, तो मेरा रिव्यू आप लाजमी देखना, आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर। और कनेक्टिविटी वाली साइड से मैंने कोई भी यहाँ पे कमी नहीं पाई, डेटा कनेक्शन पे स्पीड्स भी अच्छी हैं, सिग्नल रिसेप्शन भी अच्छा है, कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, सेंसर भी रखे गए हैं सारे, ऊपर IR ब्लास्टर मिलता है। और सॉफ्टवेयर वाली साइड पे ये MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 11 के ऊपर आता है, एंड होपफुली आगे चल के Android 12 की अपडेट भी इसको Xiaomi प्रोवाइड करेगा, क्योंकि Xiaomi अपडेट्स वगैरह देने में काफ़ी कंसिस्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे जो MIUI 13 के साथ एक्सपीरियंस है, इसकी जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो एक बेटर पाया मैंने, क्योंकि मैंने इसको जब टेस्ट किया था, रिव्यू किया था, तो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी सारी वहाँ पे। और अगर प्राइस की बात करें तो 6128 वाला भी है, 4128 वाला भी है, दोनों जो वेरियंट है ये Xiaomi फैन फेस्टिवल सेल में जो इसके स्पेशल एडिशन है उसमें मतलब ऑफर किए जा रहे हैं, तो दोनों के साथ बंडल ऑफर्स हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ, उसको जाकर देख सकते हो। 6128 वाले की प्राइस 38,000 है, 4128 वाले की जो प्राइस है वो 35,000 है। ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, अगर आप ऑफलाइन में इनके रेगुलर जाके मतलब परचेज करना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाता है। Xiaomi फैन फेस्टिवल सेल में आपको स्पेशल एडिशन मिलेंगे कुछ बंडल ऑफर्स के साथ, चॉइस आपकी है। और अगर मैं प्राइस पे अपना एक ओपिनियन ऐड कर दूँ ना यहाँ पे, तो अंडर 40,000 लाइक जो 4128 वाला है अंडर 35,000 और जो 6128 वाला है अंडर 40,000 एक अच्छा मल्टीमीडिया पैकेज है। लाइक अगर आप इस पे पैसे स्पेंड करते हो ना, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, आप एक अच्छी डिवाइस को बाय करोगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।